हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज मैं आपके साथ बेडरूम मेकओवर और किचन में थोड़ा बहुत मेकओवर किया है, तो किचन मेकओवर और बेडरूम मेकओवर वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे। अभी एंड नहीं है, सॉरी, वो मुझे आदत है ना लास्ट में एंड में ऐसे बोलेंगे, तो पहले मतलब ऐसे बोल रही हूँ तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, कैसे मैंने अपने किचन का और बेडरूम का मेकओवर किया है। तो चलो देखते हैं आगे। सो फ्रेंड, यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसमें टब में ना पानी भिगा रखा, और सारे जितने भी ये कड़छी कुर्छी जो भी चम्मच वगैरह हैं सब मैं इसमें डाल दूँगी। इनकी आज होगी डीप क्लीनिंग। चाकू वगैरह जो भी हैं सब टंगे रहते हैं, खड़े टंगे रहते हैं। कुछ कुछ ऐसा है यूज़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो धुल यूज़ नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा वो सब, और ये बास्केट भी मैंने डाल दी है इसी में धुलने के लिए। भिगा दूँगी सबको, तो अच्छे से भीग जाएंगे, तो फिर ये है कि अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। और इसके बाद वैसे मैं आपको पता ही है मंथली मेरी क्लीनिंग साफ वो चलती रहती है, तो मैंने एक सर्फ का कपड़ा लिया है और इतने अच्छे से साफ हो गया था उस सर्फ के कपड़े से ना, तो मैंने कहा चलो इसको प्लेसमेंट जो इसमें लगा रखा है उसको सर्फ के कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे से इससे साफ हो गया था, और मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैंने एक सर्फ का कपड़ा लगा दिया था, उसके बाद मैंने फिर एक वो मतलब इसको इसी कपड़े को साफ़ कर दिया था, पानी सादे पानी में भिगा के साफ़ कर दिया था। तो ये फिर ये मतलब वैसे पानी से साफ़ कर दिया था, और जो पीछे की टाइल है वो भी मैंने इससे ही साफ़ कर दी थी, तो सही हो गया था। बस ये होता था धूल वगैरह रहती है, और तो कुछ नहीं रहता। हाँ, लेकिन जो जहाँ डब्बे ना इसके नीचे धूल वगैरह भी नहीं थी, कुछ नहीं था। बट पता क्या था, जो छोटे छोटे से वो कीड़े रहते हैं ना वो थे, वो बहुत सारे थे। मैंने कहा ये क्या है, चाय पत्ती सी देखा पहले, मैंने कहा ये चाय पत्ती सी कैसे गिरी हुई है, लेकिन फिर जब देखा तो वो मतलब मैं समझ गई कि ये छोटे छोटे जो लाइट में कीड़े आते हैं ना वो आ रहे हैं आजकल, तो वो हैं। तो ये है कि ये एरिया मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये रख दिया है मैंने इसके ऊपर प्लेट, और अब मुझे मैंने कहा चलो अब टाइल भी साफ़ कर देते हैं। वैसे मेरी टाइलें साफ़ हैं, बट वो होता है कि जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये है कि किचन में और जगह तो पेंट हो गया था, किचन में पेंट नहीं हुआ, पेंट हुआ था मतलब पिछले साल। तो जो ये बास्केट से मैंने जो ये भी निकाले थे डब्बे वगैरह, ये मैंने रख दिए हैं। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, बस हल्का हल्का सा दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने स्कॉच ब्राइट लगाया, और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से पानी नहीं डाला मैंने इस बार मैंने 2-3 बार गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। वैसे मेरी मंथली में किचन साफ करती रहती हूँ, तो फिर तो बस 2-3 कपड़े से किया था तो साफ़ हो गया था, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं था। तो इस वजह से तो ये है कि दिवाली का था, तो ये है कि साफ़ तो करना ही था। तो प्लेटफॉर्म भी मैंने स्कॉच ब्राइट से कर दिया था और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। अच्छा, ये कपड़ा ना मैंने आरब की बनियान लिया, फट गई है ना, बहुत अच्छा होता है इससे ना, कॉटन का रहता है, प्योर कॉटन रहती है बनियान, तो इससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो ये वाली टाइल भी मैंने वो मतलब स्कॉच ब्राइट से कर दी थी, और मतलब मैंने सारी टाइलें करी हैं, ऐसा नहीं कोई भी टाइलें छोड़ी हैं, सारी टाइलें मैंने साफ़ करी। और बटन वगैरह तो जब दिवाली का सफाई करी थी उस समय कर दी थी, मतलब जब पेंट वगैरह हुए थे तो सारे बटन साफ़ कर दिए थे। तो बस टाइलें भी मैंने कर दी थी, धूल वगैरह रहती है टाइलों में और क्या रहता है, नीचे से भी सारा साफ़ कर दिया है, इस तरफ से भी साफ़ कर दिया है। तो बस ये है कि अब मेरा किचन मतलब गैस मैंने इधर करके ये वाली टाइलें भी अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और ये वाली ऊपर ना हाथ थोड़ा दिक्कत होती है चढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो फिर बाद में ना मैं अभी चढ़ने की कोशिश कर रही थी, फिर दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं चढ़ी नहीं, लेकिन बाद में फिर जब मैंने कपड़े से साफ़ किया तो फिर मैं चढ़ ही गई थी ऊपर, और चढ़ के ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग का काम पूरा हो गया, और अब मैंने जो वो भिगा रखे हैं वो भी धुलूँगी, और हाथ ना थक गया था इसलिए मैं वो भर रही थी, सांसें भर रही थी। तो बस ये हो गया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने वो भी धुल दिया था, और अब मैं सीधे नहा के नाश्ता करके मतलब कपड़े धुल के कपड़े डाल के सारा काम करके आ गई हूँ। अब बारी आती है किचन के डेकोरेशन की, तो गैस मैंने हल्का सा पोछ दिया क्योंकि नाश्ता गर्म किया था, तो इस वजह से। तो ये वाली रैक आपको याद होगा मैंने ली थी, ऑनलाइन ही ली थी मैंने, मीशो से ही ली थी, तो अच्छे रेट पे आ गई थी ये। तो ये सब मैंने निकाल दिए है नीचे, इन्हें भी पहले साफ़ कर दिया है मैंने। तो ये मैं ऐसे रख रही थी, मतलब इस रेक में रखना था, पहले भी थी मेरे पास, फिर वो मैं देहरादून ले गई थी, तो इस वजह से रेक पर इस बार मैंने मंगा ली थी ये रेक। तो मैंने कहा ऐसे रखा मैंने, बट मुझे ना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास मेज पोस्ट था पुराना, तो वो मैं रखा रहता है, क्योंकि वो ना मैं लाइनर के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने काटा और ये लाई में, और इससे ना फिर रख के अब अच्छे लग रहे थे, क्योंकि आदत सी है शायद ना
कि कहीं पे लाइनर बिछाना ही बिछाना है। पहले तो न्यूज़पेपर होता था, न्यूज़पेपर हर जगह बिछाते थे, लेकिन अब आदत पड़ रखी है तो ये है कि तो फिर मैंने दोनों में लाइनर बिछा दिए थे और लाइनर बिछा के फिर ये रख दिए थे, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था मतलब कि हाँ अब साफ़ है। तो बस ये मैंने रख दिया है और सारा सामान एक ही जगह पे आ गया है तो अच्छा लग रहा है। पहले भी था, बास्केट में रखा हुआ था, अभी मैंने फ़िलहाल इसमें रख दिया है, ये रख दिया है मैंने साइड पे। और अब इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, इस रैक को। ये तो मेरे पता नहीं कितनी बार करती रहती हूँ, कभी जैसे निकालते हुए कुछ गिर गया तो उस समय भी साफ़ कर लिया। तो बस मैंने, और इसकी डब्बियाँ धुल भी गई हैं, कुछ सामान ख़त्म हो गया तो डब्बियाँ भी धुल गई हैं, तो ये तो होता ही रहता है साफ़। इसके बाद जो ये मैंने धुले थे, ये करछी, ये मैंने, अच्छा मैं यहाँ पे टांग रही थी, मैंने कहा चलो कुछ यहाँ पे टांगते हैं, और वो चाकू वगैरह तो इस स्टैंड में रहते हैं। इस बार मैं सोची थी चमचे वगैरह ना मैं वो टोकरी में रखूँगी, रखी भी मैंने, अभी मैंने ये टांग दिया है, अभी तो मैंने टांग दिया, लेकिन मुझे ना फिर ये अच्छा नहीं लगा टांगा, फिर मैंने सारे निकाल दिए। मैंने कहा अभी डेकोरेशन चल रहा है तो डेकोरेशन हिसाब से, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा है वो, वीडियो में मैंने मतलब मैंने वो एंड कर दी थी वीडियो और तब जाके मैंने ये निकाला था। तो मैंने सारे ये जो टांगे हैं ना, ये करछी वगैरह जो भी, वो सब मैंने निकाल दिए थे बाद में, तो ये रख दिया है। तो बस देख रही थी यहाँ लगा के वहाँ लगा के, फिर मेरे को चम्मच का वो हुआ, मैंने कहा ये टोकरी है मैं इसमें रख देती हूँ चमचे वगैरह ना, क्योंकि फिर हन्नों का हाथ भी नहीं जाता ऊपर। तो ये रखा, तो इसको लगा के यहाँ पे लगा के देख रही थी, वहाँ पे लगा के देख रही थी, थोड़ा होता है ना कि फिर इसको इसके अंदर रखा, वो नहीं आया, फिर मैंने इसको उसके ऊपर रखा, जहाँ ये रखा है वहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने नीचे निकाला, फिर वहाँ रखा, तो बस यही चलता रहता है। तो बस यहाँ पे फाइनल मेरा हो गया है, ये किचन सेट हो गया है मतलब मेरा। और बस अब लंच बनाना है बच्चों के लिए, उससे पहले मैं जाऊँगी अपने बेडरूम का मेकओवर करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे बारी आती है अब मेरे बेडरूम मेकओवर की। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, लिविंग रूम मेकओवर कल मैंने डाला था। अच्छा, कल मैंने लड़ी लगाई थी यहाँ, लेकिन वो बेड सोफे के पीछे, लेकिन निकाल ली क्योंकि डेली यूज़ में कहाँ ऐसा होता है ना, क्योंकि फिर लड़ी डर लगता है ना बच्चों के साथ। तो ये बेडशीट है, बेडशीट निकालने मुझे, और कुशन के कवर निकालने। बेडशीट मेरी ये नई नहीं है, कुशन कवर भी नई नहीं है, पुराने ही हैं। कुशन कवर तो मैंने पिछली बार ये दिवाली वो मेकओवर में ही यूज़ किए थे, उसके बाद आज यूज़ कर रही हूँ। और बेडशीट मैंने पिछली बार की ये ले रखी है, बट मैंने बिछाई नहीं है, फर्स्ट डे बिछा रही हूँ आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये मेकओवर। तो पहले मुझे ये अलमीरा, ये बैग ना मेरा बस जाने वाला है, आज ससुराल जाऊंगी ना तो आधी साड़ियाँ इसमें से ले जाऊंगी, तो ये बैग खाली हो जाएगा। तो वो ये इसके ऊपर ना कपड़ा बिछाती हूँ मैं अलमीरा के ऊपर, लेकिन अभी वही पेंट के बाद मैंने अभी कपड़ा बिछाया नहीं था, और आज आपको रेडी दिख रही हूँ। मैं रेडी ना इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे ना आज बच्चों को लेने भी जाना है, आज उनके ऑटो वाले अंकल नहीं आएंगे तो मुझे ही बच्चों को लेने जाना है, तो मैं रेडी हो गई थी। मैंने कहा वैसे वैसे अपना काम भी करती रहूँगी, क्योंकि 6 महीने बाद जा रही थी तो ये भी लग रहा था कि देर ना हो जाए ना, टाइमिंग का भी कोई वो नहीं रहता है। तो ये अलमीरा मैंने इधर निकाल के ये कर दी है, और इसको ना मैं फिर मैंने सोचा चलो इसे बाहर ही ले आते हैं, मेकओवर कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं। तो अलमीरा मैंने बाहर ला दी, थोड़ा जगह की वो है शॉर्ट, मतलब कम है जगह ना, तो इसलिए इस सामान को इधर से उधर उधर से इधर करती रहती हूँ। बट ये है कि चलो इसके पीछे भी जो धूल वगैरह थी वो भी साफ़ हो गई। तो अलमीरा यहाँ पे रख दी थी मैंने, जो धूल थी वो मैंने थोड़ा पोछा से साफ़ कर ली थी, और इसके बाद में ये अटैची थी ये भी मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अब इस आती है ड्रेसिंग के ऊपर की। अच्छा, ये सामान इसके ऊपर था तो इसके ऊपर था, तो बस आज मेकओवर भी हो गया मेरा, और दिवाली के बाद का जो सामान अटका पड़ा था तो वो भी मैंने सेट कर दिया। तो ये निकाल दिया है मैंने सामान, इसको अलमीरा में रख दूँगी। और जो मैं मेज पोस बोली थी ना, तो ये है वो मेज पोस है जो मैंने रखे हैं, ये टूटा मतलब कट रखा है तो कट फिट के अलग कर दूँगी, और जो सही जगह होगी वो लाइनर के लिए यूज़ हो जाएगी। अब जैसे ही है ना, इसके ऊपर मैं इसको बिछा दूँगी, तो यहाँ से ये कटा हुआ है तो इसको निकाल दूँगी। तो ये है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाती है ना, और ये सही भी रहता है, ये ना साफ़ भी हो जाता है, वैसे पानी के कपड़े से साफ़ कर लो, गीले कपड़े से तो साफ़ भी हो जाता है। और ये कि
ड्रेसिंग भी सही रहेगा, मतलब कुछ भी कहीं भी बिछा दो तो अच्छा रहता है। मेरे इसके अंदर ड्रेसिंग के अंदर भी मैंने मिर्च बोस की कटिंग्स चिपका रखी लगा रखी हैं, जब आपने देखा होगा, मैंने कभी वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा ही होगा आपने। तो बस ये मैंने सेट कर दिया, इसको मैं अब सामान ले जाके अलमीरा में रख दूँगी क्योंकि ये कटिंग्स अभी मेरे काम आएंगी बहुत जगह। और यहाँ पे पर्दा नहीं लगा था, पर्दा लगाया ही नहीं था मैंने, क्योंकि पहले तो वैसे रहता था पर्दा, लेकिन अलमीरा रख दी थी, मैंने कहा चलो रहने दो फिर, लेकिन आज मैंने फिर ये पर्दा भी लगा दिया। पर्दे से ये होता है धूल वगैरह आने से ना बच जाती है जाली वगैरह से, तो पर्दा लग गया है। और इसके ऊपर मैंने रख दिया ये फ्लावर पॉट। और अब आती है बेडशीट की बारी, सबसे मेन पार्ट जो बेडरूम का होता है बेडशीट, अगर बेडशीट अच्छी है तो फिर बेडरूम भी अच्छा लगेगा। तो बस तकिया वगैरह कवर निकाल दूँगी और इसके बाद बिछाएंगे अपनी सुंदर सी बेडशीट, अच्छी है बेडशीट। और पता है बाय चांस ये मैंने पिछली बार लाई थी दो, तो दोनों ब्लू ही आई थी वैसे, यहाँ पे अटैची रहा तो अटैची के ऊपर मैंने ये रख दी है। और बाय चांस ये हो गया, मतलब पूरा मेरा ब्लू ब्लू हो गया, मेरे लिविंग रूम भी ब्लू हो गया और मेरा ये बेडरूम भी ब्लू हो गया है। तो ये गद्दे पलट के बिछा दूँगी, थोड़ा ये हवा हुआ लग जाती है गद्दों में ना, तो जब भी कभी आप भी बेडशीट वगैरह चेंज करते हो 10-15 दिन में गद्दे ना पलट के बिछाते रहने चाहिए, तो इससे ठीक रहते हैं। तो ये है वो बेडशीट, और अच्छी है बेडशीट, सुंदर सी है, काफ़ी बड़ी भी है क्योंकि इस बेड के लिए बड़ी ही लानी पड़ती है, क्योंकि ये दो दीवान बेड हैं तो इसलिए इनके लिए ना बड़ी ही अच्छे साइज़ की बेडशीट लानी पड़ती है। तो ये मेरी बेडशीट बिछ गई है, बताना कैसी है। अच्छा, अगर इसे सीधे में बिछाऊँ तो फिर ये पूरी नहीं आती है, तो इसे ऐसे करती हूँ। तो और तकिया मैंने दो दो करके बिछाए लगाए हैं, क्योंकि एक पतली है एक थोड़ा, मतलब एक मीडियम है एक पतली है, दो दो करके लगा दो ना तो फिर अच्छा रहता है। तो आज मेरे को और हो रहा है, तो तकिया भी फुली फुली सी होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए। तो बस तकिया मैंने लगा दी है इसके अंदर, और जैसे मैं वो कर रही थी चैन इसकी पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो अब ये बारी आती है कुशन की, और कुशन आपको पता ही है, जो रेगुलर व्यूअर होंगे उन्हें पता है कि मैं कंबल रखती हूँ इसके अंदर, तो जो रात को हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं कंबल को, और वैसे ही कुशन का काम कर लेती हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप लोग भी, और ये दिखता भी नहीं है कुशन ना, मतलब कंबल दिखती भी नहीं है फैली हुई। तो ये बस ऐसे ही मैंने दिमाग लगा दिया था, तो मतलब अच्छा लगता है, कुशन भी बन जाता है। और वो पहले मैं चेंज नहीं कर रही थी कुशन कवर, मैं बोल रही थी उसके ही बाहर से लगाऊँ, फिर मैंने कहा यार जब चेंज वो कर ही रही हूँ तो फिर इसे धुल ही देती हूँ, धुल के फिर लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये दूसरी कंबल भी, और दो ही दोनों डबल बेड की कंबल है, दोनों ऐसे ही यूज़ आती है हमारे ना डबल बेड की, मतलब वो ये एक बच्चा और मम्मी और एक बच्चा और पापा के लिए डबल बेड की कंबल चल जाती, सिंगल कंबल तो यूज़ ही नहीं हो पाती है। तो बस अब इसे लगा देंगे, बेड को भी अच्छे से सेट कर देते हैं, और कम मोटी मोटी तकिया रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये लगाए, ऐसे लगाए फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सीधे करके रखे, तो बस देखते रहते हैं ऐसे। ये ब्लू लगाए फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, खाली खाली सा लग रहा था, फिर मैं रेड वाला कुशन लाई और ये मैंने यहाँ लगा दिया है। और इसके बाद अब मेन फ़ोटो फ्रेम, तो आप सोच रहे होंगे यही फ़ोटो, अच्छा ये यहीं का फ़ोटो फ्रेम है जहाँ मैंने ये कल लगाया था, वहाँ के लिए मैंने कुछ और मंगाया बट वो आया नहीं है तो मैंने ये यूज़ कर लिया, लेकिन ये यहीं का है। तो ये लग गया है, और अब मेन आती है दिवाली की डेकोरेशन, जिससे लगेगा कि दिवाली वाली फील है। तो ये थ्रो तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने ये दुपट्टा बिछा लिया है, वैसे थ्रो होता है तो थ्रो में अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं दुपट्टा बिछा लिया है। दिवाली की फीलिंग है कलरफुल होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कलरफुल दुपट्टा निकाल लिया है। और इसमें मैंने ट्रे रख रखी है, तो ये ट्रे रख दूंगी, और इसमें मैंने एक वो रख रखा है वॉश रखा है, मतलब फ्लावर पॉट रखा है, और एक रखेगी लाइट, और इस लाइट को जोर से मारूंगी नहीं तो ना ये जलती नहीं है ढंग से। तो ये लग गई है, और दो कैंडल मैं रख दूंगी अपने यहाँ पे ड्रेसिंग पे। तो कैसा लगा आपको डेकोरेशन, आप थोड़ा इन्जॉय कीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
सो फ्रेंड यहीं पे अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा बेडरूम और किचन मेकओवर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मेरे साथ बताना कि कैसे चल रही है आपकी दिवाली की तैयारी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।